उज्जैन के घटिया तहसील के गरीब परिवारों को सस्ता राशन नहीं मिल पा रहा है। सरकार इन परिवारों के हित के लिए बड़े दावे करती है, लेकिन यहाँ स्थिति उलट है। सरकारी दुकानों पर गरीब परिवार के लोग भटक रहे हैं। घटिया तहसील के ऐसे कई गांव हैं जहां पर कई गरीब परिवार निवास करते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। साथ ही इन गरीब परिवारों के पास किसी के पास 2 तो किसी के पास 1 बीघा जमीन है तो किसी के पास 3 बीघा। वे कम जमीन में खेती किसानी कर रहे हैं। गरीब परिवार के किसानों का और एक गरीब परिवार के लोगों का राशन कार्ड ही नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से इनको सस्ता खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। परिवार के लोगों ने कई बार दस्तावेज दिए और समस्या बताई, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दादा बताइए, क्या नाम है आपका? चंद्र सिंह। चंद्र सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? खेरखेड़ी रहता हूँ। कौन सी पंचायत में आती है खेरखेड़ी? रुंजी पंचायत। रुंजी पंचायत में आती है। कितनी जमीन है आपकी? 2 बीघा सर। 2 बीघा? अच्छा, 2 बीघा में कितने लोग आप लोग गुजर बसर करते हैं? एक तो लड़का है मेरा, एक पत्नी और एक उसकी लड़की। अच्छा, एक बच्ची। 4-5 लोगों का परिवार है आपका? अच्छा, इसी खेती पर आप लोग जीवन गुजर बसर करते हैं। ये बताइए, आपका राशन कार्ड क्यों नहीं बना? सर कोई सुनवाई नहीं करे। मंत्री गण जाओ तो मंत्री बोले के, वो सरपंच गण जाओ सरपंच बोले के, उसके पास जाओ तो मेरे का तो कोई ने बना ही नहीं अभी तक। कब से परेशान हो रहे हैं आप? कितने समय से परेशान हो रहे हैं? 10 साल हो गया सर। 10 साल से परेशान हो, राशन कार्ड ही नहीं बना? राशन कार्ड ही नहीं है मेरा। आपने बताया नहीं कि साहब मेरा राशन कार्ड बना दीजिए? बताएं। अरे मैं इतना पढ़ा लिखा कहाँ सर मैं। अच्छा, नहीं बन पा रहा है? पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ मैं, अनपढ़ हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।